फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कुछ ऐसी चीज़ों को लेके डिस्कस करते हैं। आज मैं वास्तु के थ्रू मनी कैसे अट्रैक्ट किया जाए इससे रिलेटेड बातें करती हूँ, ठीक है। मनी को अगर दिया जाए तो आप देखोगे कि आखिर मनी आता कहाँ से। मनी आता है जब हम सर्विस दे रहे होते हैं किसी को, किसी भी तरह की सर्विस। या तो मैं जॉब में हूँ, या तो आप जॉब में हो, या फिर आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर कोई भी काम कर रहे हो, तो आप कुछ ना कुछ कर रहे हो, किसी ना किसी को कुछ दे रहे हो, उसके एवज में आपके पास पैसे आते हैं, मनी आता है, ठीक है। अब अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु देखा जाए तो ये जो सर्विसेज हैं, ये सर्विस रिलेट करता है नॉर्थ एरिया से। हमारे घर का नॉर्थ जोन जो है ये वाटर एलिमेंट को गवर्न करता है, और वाटर एलिमेंट जो है इसका कलर जो है वो ब्लू है, ब्लैक है, इस तरह के कलर हैं। और अगर मान लो मनी से रिलेटेड या आपके सर्विस से रिलेटेड या उसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए अगर क्वालिटी अच्छी चाहिए तो आपको नॉर्थ जोन को क्लियर रखना है, क्लटर फ्री रखना है। और आपको ये ध्यान देना है कि कोई भी एंटी एलिमेंट ऑब्जेक्ट के रूप में या फिर किसी भी रूप में वो नॉर्थ एरिया में ना आए। एंटी एलिमेंट लाइक नॉर्थ एरिया का जोन जो है वो उसका कलर ब्लू है, ब्लैक है, जैसे मैंने पहले बताया। ब्लू ब्लैक ये पानी का ये माना जाता है, वाटर एलिमेंट में आता है। और इस जोन में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कोई भी रेड कलर या फिर येलो कलर इस जोन में ना आए। येलो कलर अर्थ को रिप्रेजेंट करता है और रेड कलर फायर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो अगर पानी में फायर आता है, रेड कलर आता है, तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और अगर अर्थ आता है तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो अगर आपको अपनी सर्विस को अच्छा करना है, अपने जॉब को, जॉब में हो या फिर आप सर्विस दे रहे हो, लाइक मनी के लिए अगर आपको देखना है, अगर मनी में प्रॉब्लम आ रही है या अपॉर्चुनिटी में प्रॉब्लम आ रही है, कैरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको अपने घर का नॉर्थ एरिया पर विशेष ध्यान देना होगा। नॉर्थ में आपको थोड़ा सा क्लियर रखिए, साफ सफाई का ध्यान रखिए, क्लटर फ्री हो। कोई आपका स्टोर या फिर किचन या फिर वॉशरूम, टॉयलेट, इस तरह की चीज़ें ना हो। ब्लू कलर का यूज़ कर सकते हो आप, ब्लैक भी यूज़ कर सकते हो। इन चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो ये हो रहा है कि आपकी कैरियर में या किसी भी तरह की अपॉर्चुनिटी में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। तो जब भी इस तरह के प्रॉब्लम अगर आप फेस करते हो तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखो। इसके साथ ही साफ सफाई बहुत ज़रूरी है, क्लटर फ्री हमेशा रखिए। कोई भी जिस चीज़ का यूज़ नहीं है, जिस चीज़ को आप विद इन सिक्स मंथ में यूज़ नहीं कर रहे हैं, उन चीज़ों को उस एरिया से, इवन घर से ही आप बाहर निकाल दें तो वास्तु दोष नहीं आएगा आपके घर में। इसके अलावा मैं इसके साथ में कुछ टिप्स भी आपको देना चाहूँगी वास्तु से रिलेटेड। आप वीकली तो कम से कम या तो कपूर उस एरिया में रखिए, ठीक है। कपूर बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है, तो कपूर रखें, ठीक है। थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान रखें। घर में आप रॉक सॉल्टेड पानी का, वाटर का आप पोछा लगवाएं। इन चीज़ों से भी वास्तु दोष दूर होता है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ा सा ज्ञान बढ़ाइए, आप इंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। इसके साथ ही मैं थैंक यू।